डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती के अवसर पर दुर्ग शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान अनुयायियों ने बड़ी संख्या में जय भीम के जयकारे लगाए। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती पर रविवार को बुद्ध विहार समिति शंकर नगर द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में जय भीम के नारे गुंजायमान होते रहे। शोभा यात्रा में बाबा साहेब के अनुयायियों ने सैकड़ों की संख्या में उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर अंबेडकर जयंती पर सुबह बुद्ध विहार शंकर नगर में पंचशील ध्वजारोहण कर डॉक्टर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात कलेक्ट्रेट स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके कार्यों को याद किया गया। इसके बाद शहर में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा को बुद्ध विहार समिति के अध्यक्ष रामजी रंगारी ने नीला ध्वज दिखाकर रवाना किया। इस दौरान ये शोभा यात्रा बुद्ध विहार से आर्य नगर ग्रीन चौक होते हुए शहर का भ्रमण करते हुए संपन्न हुई। इस दौरान वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद अजीत वैद्य के नेतृत्व में भी शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। बाबा साहेब के अनुयायियों ने डीजे की धुन पर नाच गाकर अपनी खुशियों का इजहार किया। बाबा साहेब के अनुयायियों को अंबेडकर जयंती की बधाई देने सांसद प्रत्याशी विजय बघेल, विधायक गजेंद्र यादव, विधायक ललित चंद्राकर, पूर्व विधायक अरुण वोरा सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। इस मौके पर सांसद विजय बघेल और भाजपा पार्षद अजीत वैद्य ने प्रतिक्रिया दी। देश के संविधान निर्माता परम पूज्य परम श्रद्धे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती के शुभ अवसर पर आज जो हर साल भव्यता के साथ ये बाबा साहब को मानने वाले और जन जन के जो दिलों में बसने वाले बाबा साहब के अनुयायी लोग और पूरी जनता जनार्दन को लेकर यहाँ पर जो भव्य जुलूस में हम सब शामिल हुए हैं और इसके नेतृत्वकर्ता भाई हमारे अजीत वैद्य जी हमारे ऊर्जावान पार्षद भी हैं, उनके नेतृत्व में ये भव्य आयोजन आज संपन्न हो रहा है। कल भी एक भव्यता के साथ कार्यक्रम होगा और जगह जगह बाबा जी के इस जन्म जयंती समारोह को हम सब मना रहे हैं। मैं भी अनेक जगह आज सभी को बधाई देने, शुभकामनाएँ देने उपस्थित हुआ और बाबा साहब के आदर्शों को, बाबा साहब के जो विचार हैं उनको हम आत्मसात करें और जिस युग में वो पैदा हुए थे, उस युग में जितनी त्रासदी थी, उस बात को हम सब आज याद करते हुए ऐसे संघर्ष में जीवन हम सब बीजिए और भारत निर्माण में हम सब की भागीदारी रहे। भाजपा ने आज मैनिफेस्टो जारी किया कि 12 भाजपा का जो संकल्प पत्र है वो सर्वस्पर्शी है, सर्वसमावेशी है और सर्व कल्याणार्थ है। आज भाजपा जो कहती है वो करती है, ये जनता के मन में और उसी भाव के साथ जनता जनार्दन उसको आत्मसात कर रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में जो संकल्प पत्र बनाया गया है वो मोदी गारंटी के रूप में आज जारी हुआ है और निश्चित रूप से वो अंतिम छोर के व्यक्ति तक हमारी योजनाएँ पहुँचेगी। भारत के सर्वांगीण विकास और भारत के रहने वालों का सर्वांगीण विकास होगा, ये इस संकल्प पत्र में समाहित है। इतना उत्साह और इतना जोश मेरे लोगों में, यहाँ पे मेरे वार्ड के ही लोग नहीं है, पूरे दुर्ग शहर की जनता इतने हर्षोल्लास से आज ये बाबा भीमराव अम्बेडकर की 133वीं वर्षगांठ मना रही है। और ये इसी वर्ष नहीं है, हम पिछले कई वर्षों से मना रहे हैं। दिन प्रतिदिन लोगों का तादाद बढ़ते जा रहा है, लोगों का उत्साह बढ़ते जा रहा है, लोग बढ़ चढ़ करके हमारे समाज के लोग तो आ ही रहे हैं, यहाँ अन्य समाज के लोग भी सभी लोग इतने जोरों शोर से आते हैं, बड़े जोश और उत्साह से आते हैं। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सभी अनुयायियों से ये अपील करूँगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान का परस्पर पालन करें, किसी भी प्रकार से कानून को ना तोड़ें और
सभी देशवासियों से यह अपील करूंगा आपके माध्यम से, देश का संविधान ऐसे हाथों में आना चाहिए जो हाथ उनके संविधान को बखूबी निभाए और उसको परस्पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के आदर्शों अनुसार चलाए। दोस्तों मैं आपसे अपने पर्सनल एक बात भी बोलना चाहूँगा, आज ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो कुटुंब है, जो कपीला निकला हुआ है, ये पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में ऐसा हर्षोल्लास से मनाया जाता है। पुनः मैं आप सभी देशवासियों को, शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, वार्डवासियों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं वर्षगांठ पे ढेरों हजारों शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आप यह हर्षोल्लास से मनाएं लेकिन अपने हिस्से की सावधानी रखें। मैं दुर्ग से अजीत वैद, वार्ड नंबर 12 पार्षद नगर निगम से, और इस भीम रैली का सामाजिक कार्यकर्ता हूँ मैं, और अपने समाज का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जो जैसा भी काम देता है समाज मैं उसको बहुत खूबी। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।